वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. याद होगा कल का जो लेक्चर था, लेक्चर वन जो था मेरा, उसमें हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल टर्म्स, जैसे कि हमने आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात की थी, और हमने देखा था कि किस तरीके से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों अलग हैं. आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, बट शुरू करने के पहले मैं चाहती हूँ आपको एक कहानी बताना. कहानी ये है कि तीन फ्रेंड्स हैं, तीन फ्रेंड्स में राम, श्याम और सीता. राम अगर सीता का फ्रेंड है और श्याम भी अगर सीता का फ्रेंड है, तो क्या क्या इन्फर कर रहे हैं कि राम और श्याम दोस्त हैं. कुछ अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आज का क्लास जो हमारा है वो हम लोग ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर करने वाले हैं. और ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से राम और श्याम अपने आप में एक दोस्त हो गए. इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एक टेक्निकल टर्म्स, जो फिजिकल टर्म है, थर्मल इक्विलिब्रियम को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है. अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी तरीके से समझते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए. तो लेट अस स्टार्ट विद अ क्लास. व्हाट एग्जैक्टली इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम, बिफोर वी अंडरस्टैंड थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. व्हाट आर द टू थिंग्स? वन इज द एडियाबेटिक, जिसका जिक्र हमने पहले कर चुके किया हुआ है हमने. दूसरा है डायाथर्मिक. तो एडियाबेटिक और डायाथर्मिक, क्या मैंने बोला? एडियाबेटिक. फर्स्ट इज एडियाबेटिक और दूसरा मैंने बोला डायाथर्मिक. और इसका क्या रिलेशन हो सकता है किसके साथ? थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको समझने के लिए हम लोग ये पहले जो हमने देखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. मैंने जिक्र किया सिस्टम की बात, तो पहले देखते हैं सिस्टम किसे हम कहेंगे. इन द जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर वर्ड्स माइक्रोस्कोपिक नहीं लेके हम लोग मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं. तो अगर हमने कोई एक सिस्टम किया, लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बॉक्स है, इसको मैंने कंसिडर किया है, और इस बॉक्स के अंदर हमने क्या लिया हुआ है? कुछ गैस लिया हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स किसके अंदर में है? ये डब्बे के अंदर में है. ठीक है, इट इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर बॉक्स, एंड एज बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ क्लोज्ड, कैन यू सी दैट? वी डोंट हैव एनी, कैन यू सी? इट्स ऑल क्लोज्ड. सो एज इट, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ क्लोज सर्फेस, दिस बिकम्स अ क्लोज सर्फेस, वी कैन कॉल दिस एज अ सिस्टम. तो सिस्टम सपोज अगर हम कोई एक तरीके से ऐसे करके कोई बाउंड्री से इनक्लोज कर रहे, इसके अंदर हमने क्या लिया है? इसके अंदर हमने गैस मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है. तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा सिस्टम. अब ये सिस्टम, अगर हमने इसको सिस्टम कंसिडर किया, तो सिस्टम के जस्ट आसपास आप कुछ भी ले सकते हो. तो ये मेरा एनवायरमेंट हो गया. क्या हुआ? एनवायरमेंट. Okay, so we spoke about the system. System is something which is being closed by your surface. It is inside the closed surface. The system, इसके अंदर हमने जो gas लिया, that is what we have considered it as a system. And आसपास जो भी हमारा दिख रहा है वो मेरा environment हो गया. In terms of physical world, this system plus environment will give you what? It is going to give you a concept, the very known word that what we call is universe. Okay, तो ये मेरा एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ है. क्रिएट हुआ मतलब है. तो यहाँ पर हम लोगों को बेसिक चीज जो समझने की जरूरत है, सिस्टम क्या हो सकता है? सिस्टम कैन बी अ क्लोज सिस्टम. सपोज इफ वी टॉक अबाउट द क्लोज सिस्टम, तो इसमें क्लोज सिस्टम में क्या हो सकता है कि एनर्जी का आना जाना हो सकता है, बट मास का आना जाना नहीं हो सकता. मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द गैसेस, वॉट एवर वी हैव कंसिडर्ड दैट पर्टिकुलर बॉक्स, इट कैन नॉट बी मूविंग आउट ऑफ दैट बॉक्स. मतलब अंदर से, इस बॉक्स के अंदर से, इस बॉक्स के अंदर से एनर्जी आना जाना हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता? इसके मासेस, मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कम आउट. इज दैट क्लियर? सो दिस बिकम्स अ क्लोज सर्फेस. एंड एज बिकॉज हम लोगों ने जब यूनिवर्स की बात की है, यूनिवर्स को एन आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया. आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ आपका? आइसोलेटेड सिस्टम वो हुआ जिसमें ना तो एनर्जी ना ही मास,
दोनों का आना जाना बिल्कुल बंद। अगर हम ये सिस्टम को आइसोलेटेड करना चाहते हैं तो इसके इसकी एनर्जी भी बाहर आनी नहीं चाहिए और इसके अंदर से भी एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी ना तो जाना चाहिए ना ही एनर्जी बाहर आना चाहिए। सो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए जनरली एक हमारा मिसकॉन्सेप्ट होता है, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत समय ऐसे होता है कि फिजिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट के बीच में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ को अच्छी तरीके से समझे नहीं है। आप अगर हायर कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर रहे होते हैं तो आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एंड बहुत सारे जो आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या तो आप नेट ले लो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप पीजी करोगे, पीजी करने के बाद यू आर गोइंग टू गिव योर नेट एग्जाम्स। सो नेट एग्जाम्स के अगर आप क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो चारों ऑप्शंस जो आपके आते हैं बहुत सिमिलर होता है, दे वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड यू विल फाइंड कि ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, बट आपका जो कॉन्सेप्ट अगर सही कॉन्सेप्ट है देन यू आर एबल टू जज कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू टेक एनी पर्टिकुलर, सपोज अगर आपने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की है तो यू शुड अंडरस्टैंड थर्मल इक्विलिब्रियम कम्प्लीटली, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा ये थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या। अगर आपने सिस्टम की बात की है तो सिस्टम को भी समझना जरूरी है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, देर आर मेनी फैक्टर्स जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होता है, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे, हमें समझने की ज़रूरत है। और अब तक आप मेरे क्लास में इतना फर्स्ट क्लास अगर आप देखे होंगे तो आप अच्छी तरीके से आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के डिफरेंसेस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आई डोंट थिंक देर इज एनी सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन कि कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबैटिक है। तो यहाँ पर हमने दो बात की है, थर्मल इक्विलिब्रियम की, और हमने थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के पहले हमने दो प्रोसेस, आई मीन दो शब्द और ये वर्ड, वी हैव टेकन टू वर्ड्स अगेन, एंड दीज टू वर्ड्स आर व्हाट, वन इज द एडियाबैटिक एंड अदर वन इज डायाथर्मिक। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज एन एडियाबैटिक इज डूइंग एंड व्हाट अ डायाथर्मल वॉल विल डू। तो एडियाबैटिक का जब हम कंसिडर करते हैं, जब हम लोग एडियाबैटिक की बात करते हैं, एडियाबैटिक का मतलब नो हीट फ्लोस, व्हाट एग्जैक्टली मींस, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट। एडियाबैटिक में इसको अगर हम लोगों ने इजी और सिंपल शब्दों में अगर समझना है तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, नो हीट फ्लोस। बट अगर हम लोग डायाथर्मिक को समझना है, इफ वी वॉन्ट टू नो अवर डायाथर्मिक देन देर इज अ फ्लो ऑफ हीट। दोनों का बीच तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसपास है शब्द के मतलब, बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क होगा। क्यों फर्क होगा? क्योंकि जब मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में लूँगी, मैं दो सिस्टम में काम करूँगी, सिस्टम ए और सिस्टम बी, और सिस्टम ए और बी को पहले तो मैं एक बार डायाथर्मिक वॉल से एनक्लोज करूँगी, एंड देन वी विल कंसिडर द सेकेंड केस, दैट इज द फर्स्ट इज द एडियाबैटिक एंड द सेकेंड वन विल बी द डायाथर्मिक वॉल। सो लेट अस सी, थर्मल इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम लोग को एक चीज समझना होगा कि अगर हम कोई भी सिस्टम की बात करते हैं, सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉक्स, इफ आई से एंड इफ आई से दिस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि लंबे समय तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वॉट एवर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दैट वी हैव कंसिडर्ड, वॉट कैन बी, इट कैन बी द प्रेशर, इट कैन बी द वॉल्यूम, इट कैन बी द मास, इट कैन बी द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉन्स्टेंट। What it is constant, मतलब कोई भी vary नहीं कर रहा, पर ये macroscopic term में है, क्योंकि अंदर में molecules, microscopic में आप जाएंगे तो molecules का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर तो मूव कर रहा होगा यहाँ से वहाँ, so there can be some sort of changes, but as a whole if I consider, then if I say this is in thermal equilibrium, then इसके अंदर का जो भी properties हमने consider किया है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉट एवर इट इज़ नॉट गोइंग, इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट अस सपोज वी हैव टेकन टू सिस्टम्स, वी हैव टेकन सिस्टम, ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दो सिस्टम, और ये सिस्टम एक बॉक्स की तरह, एक लाइन की तरह हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, दिस इज ए एंड दिस इज बी। लेट अस अज्यूम we have considered ये पूरे जो
वॉल्स हैं जिसको एडियाबैटिक वॉल्स हमने कंसिडर किया. एडियाबैटिक का मतलब हुआ नो हीट फ्लोस. ना ये दोनों के बीच का जो वॉल है, बाहर के सराउंडिंग्स पर तो इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कोई हीट यहाँ से आ रहा है या जा रहा है. बट इन बिटवीन ऑल्सो वी हैव कंसिडर दिस एडियाबैटिक. हमने कौन सा वॉल कंसिडर किया? वी हैव कंसिडर्ड एन एडियाबैटिक. मतलब क्या कि अगर सिस्टम ए को हम कंसिडर करें तो इसके जितने भी है व्हाट कैन बी द वैल्यू, इसका क्या क्या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्टेट ऑफ भी बोल सकते हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको हमने टीए लिया है, और यहाँ पर कैन बी कंसिडर एज अ मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑल्सो. यहाँ पर भी इसकी अपनी मतलब प्रेशर का ए का, प्रेशर बी का, वॉल्यूम ए का, और यहाँ पर प्रेशर बी का, वॉल्यूम बी का, और टेम्परेचर बी का. ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एडियाबैटिक वॉल से हमने दोनों को सेपरेट किया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ऑफ ए कैन बी इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ, व्हाट आई से टेम्परेचर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी. मतलब ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर बराबर नहीं है. अगर ऐसा है दोनों के बीच में बराबर नहीं है तो क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस और नो, ये कंफ्यूजन आ जाती है. जनरली हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर हम दो बॉडीज को ले रहे हैं तो हमें ये लगता है कि टेम्परेचर अगर सेम हो तब ये थर्मल इक्विलिब्रियम होगा. नो, दैट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पर अगर आप एक सिस्टम को कंसिडर करें तो इसके अपने जितने भी फैक्टर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए बी का भी अपना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉट एवर इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, बट दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं है. इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये बहुत ज़्यादा समझने में भूल हो जाती है. देर इज अ मिसकंसेप्शन एंड लेटर ऑन इट अराइज लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स. सो देर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन ऑफ इट. Why? Because they have been separated by a diatherm. They have been separated by an adiabatic wall. अब अगर हम लोग change करते हैं condition, क्या कर किया हमने? अब हमने ये जो wall है in between A and B, इसको हम लोग diathermic wall से change कर देते हैं. We are changing it by diathermic के लिए. Let us assume we have taken a dotted. So what exactly we have taken now? We have not taken an adiabatic wall in between, but we have taken a diathermic wall. इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपके शब्द, आपके the word should be very well defined.